in this session we are going to discuss the topic of understanding political socialization political socialization according to the uh, in the perspective of a famous psychiatrist he says that the, it is the combination of the need and influence of society in a model of personality where which the personality has three parts it is a common knowledge that when a person grows when, from various stages, then definitely at every level, everyone has some needs, and at every stage, at every step, society also influences the personality of individuals. Whether it is the time of the birth of a person, then definitely newborn, they have their. डिमांड्स इन देयर ओन वे दे एक्सप्रेस देयर डिमांड्स एंड द फैमिली दैन ट्राइज टू फुलफ़िल दोज डिमांड्स लाइक बच्चा रोता है तो माँ जो है वो उसको आ, उसकी ज़रूरत पूरी करती है उसको दूध उसका खाना जो है यानी डिमांड की बेस पर अफराद की ज़रूरतें चाहे बहुत छोटा बच्चा है तब भी उसको अपने माशरे से अपने ख़ानदान से मांगना पड़ता है दैन ओवर अ टाइम वन अ चाइल्ड लर्नस टू बैलेंस द इन एट प्लेयर सीकिंग डराइव विद द डिमांड्स ऑफ सोसाइटी थ्रू ईगो जब अगला मरल आता है बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो फिर उसका रवैया बदलता है फिर वो अपने उस रवैये के अकॉर्डिंग अपने मुशरे से मांगते हुए अपने मुआरे के साथ अपने रिएक्शन के थ्रू वो इजहार करता है कि क्या वो मुआरा जो है वो उसके साथ सही कर रहा है या उसके साथ जो है वो गलत कर रहा है यानी जब बहुत बचपन में बच्चे को सही या गलत का पता नहीं था लेकिन थोड़ा सा बड़ा होने के बाद बच्चे के अंदर ये तासुर आता है और अपने इन्वायरमेंट से वो सीखता है कि सही क्या है और गलत क्या है इसी तरीके से उससे थोड़ा और बड़ा होने पर उसी बच्चे के अंदर जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं जो नॉर्म्स हैं वो उसको फिर एक ऐसी शख्सियत में ढाल देती हैं जिसको अपने मुशरे के इर्द गिर्द तमाम हालात का पता भी होता है और वो उसी माशरे के मुताबिक उसकी डिमांड के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालता है एक और बहुत अहम जो थेरी है थेरी ऑफ कॉगोनीटिव इनका ये ख्याल है कि चिल्ड्रन मूव थ्रू फोर डिफरेंट स्टेजेस अब ये चार स्टेज़ क्या हैं पहली बात तो ये कि फ्रॉम बर्थ टू टू ईयर्स इंडिविजुअल एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू देयर सेंसेस। उस वक्त उसको वो अपनी सेंसेस के थ्रू ही सिर्फ दुनिया के अंदर चीज़ों को समझने की कोशिश करता है लेकिन दो से सात साल का जो अरसा है इसमें ये ये बहुत अहम है शख्सियत की तमीर के अंदर जिसमें बच्चे अपने इमेजिनेशन के जरिए वो लोगों से चीज़ों से इम्प्रेस होते हैं अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में वो खुद अपनी एक दुनिया देखना चाहते हैं लेकिन फिर फ्रॉम एज टिल सेवन टू इलेवन इंडिविजुअल सीज द कनेक्शन, दे ट्राई टू डेवलप द कनेक्शन अराउंड सराउंडिंग्स वेयर दे आर लिविंग लेकिन बारह साल और फिर उससे बड़ा होने के बाद आम तौर पर अफराद के जहनों में बच्चों के जहनों में वो अपने माहौल से जो कुछ अपनी बारह साल तक की उम्र में सीख चुके होते हैं अब उनके अंदर अपनी सोच आती है वो ज़्यादा क्रिटिकल होते चले जाते हैं और फिर ये बहुत अहम मरला होता है किसी भी फ़र्द की शख्सियत की तमीर के अंदर कि माशरा अब उससे क्या करदार लेना चाहता है क्या उसे इब्तदाई तौर पर इसके लिए तैयार किया गया है या बच्चा कितना तैयार है कि उसे किस किस्म का रोल जो है वो माशरे के अंदर अदा करना है इसी तरीके से हम देखते हैं कि डिफरेंट साइकेट्रिस्ट जो हैं वो मुख्तलिफ अपने अपने तरीक़ेकार को बयान करते हैं किसी का ख्याल है कि प्री कन्वेंशनल मोरेली जो है या कन्वेंशनल मोरेली जो है ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं यानी अफराद के अंदर उनकी अखलाकी इकदार उनकी माशरती इकदार जो हैं वो किस तरीके से अफराद को सिखाई गई हैं फिर अगर हम ये देखें कि एक और बहुत अहम स्टेज जिसके बारे में बात की जाती है वो है ए, 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 स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट खास तौर पर इसमें जो लड़कियों का किरदार जो फ़ीमेल का किरदार है उसमें बताया जाता है कि उस उनके अंदर कितनी मेदारी है और फिर मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रते हुए उनकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं उनका किरदार उनके बारे में ख़यालात जो हैं वो ख़ानदान उनसे क्या एक्सपेक्ट करता है फिर जो सोशल सेल्फ है यानि अफराद के अपने किरदार के हवाले से माशरे के साथ उसका ताल्लुक़ कैसा जोड़ना है यह भी बहुत सारे जो साइकेट्रिस्ट हैं जो पॉलिटिकल सोशोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं वो इस पर बात करते हैं लेकिन एक आम जो तकसीम जिस पर तकरीबन सबका कंसेंसिस है वो है स्कूल ऐज है उसके बाद ये कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा स्कूल एज के बाद बचपन से जब वो बड़े होने की स्टेज पर आएगा तो उसे बहुत सारे सवाल उसके ज़ेहन में आएंगे अपनी शनाख्त के बारे में फिर ऐसे ही जब उससे थोड़ा बड़ा होने के बाद बच्चे के दिल में ये आएगा कि क्या वो सबसे अलहदा तो नहीं है उसकी पहचान उसकी शनाख्त में कौन किरदार अदा करता है फिर इसी तरीके से मुख्तलिफ मराहल से गुजरते हुए अफराद के अंदर उनकी शख्सियत की तमीर जो है वो हो रही होती है ये तामीर माशरती लिहाज से भी है और यही शख्सियत जो है वो पोलिटिकली भी एक्ट करती है जब उसको यह किरदार जो है माशरा आसाइन करता है या सियासी निज़ाम अफराद से सियासी निज़ाम के हवाले से राय लेना चाहता है तो फिर जो कुछ बचपन से बड़े होने तक उसको सिखाया गया वो वही वापस करने की पोजीशन में होता है